हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज आए हैं हम एक अलग ही दुनिया में, जो हमारे लिए तो स्पेशली अलग ही दुनिया है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ होती है बोट में। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा बोट में, आपको अगर पुलिस बुलानी है पुलिस आएगी बोट में, क्योंकि पुलिस की गाड़ी है बोट, और यहाँ का एम्बुलेंस है बोट। यहाँ अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो JCB भी है बोट में, और अगर आपका घर का कचरा बाहर डालना है तो वो लेने भी गाड़ी आएगी बोट। तो सब कुछ है बोट में, क्योंकि ये पूरा शहर बसा है पानी के ऊपर। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ का आपने एक गाना सुना ही होगा, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ, जो ये चाओ वर्ड है वो इसी शहर में इन्वेंट हुआ था। तो हम है आज वेनिस में। तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ। हम जैसे खुशबू ने बताया वेनिस में पहुंच चुके हैं, और यह है बहुत ही खूबसूरत ब्रिज जो पहले ही हमें उतरते ही दिखा। वेनिस में ग्लास का बना हुआ ये ब्रिज काफी अद्भुत है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेनिस जब आप आते हैं तो वेनिस एक तो आपका इटली से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है आइलैंड। तो इटली से जो लैंड वाला पार्ट है उससे आइलैंड के आने के लिए आपको इजीली बसेस, फेरीज, ट्राम सब कुछ चलता है, तो इजीली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और इवन ACTV करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, वो भी फेरीज, बसेस और सब कुछ ऑपरेट करती है। तो हमने वही ACTV का जो डे पास था, दो दिन का जो पास है, वो ले लिया है, और उसी के थ्रू हम पूरा वेनिस डिस्कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय का पहिया घुमाते हैं थोड़ा सा और आपको टाइम में पीछे लेके चलते हैं, बताते हैं आपको ये जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। और ये अब हम पहुँच चुके हैं बर्लिन ब्रैंडनबर्ग एयरपोर्ट पर। नया दिन नई जगह, और आज हम जा रहे हैं इटली घूमने, वो भी खुशबू के साथ, मम्मी जी के साथ और पापा जी के साथ। तो इस ब्लॉग में हम आपको बताते हैं कि फैमिली के साथ यूरोप में कैसे घूमा जाए। बस अभी सुबह हुई है और कॉफी की चुस्कियां ली जा रही हैं मम्मी के द्वारा। मम्मी से हाय टू व्यूअर्स। तो अभी हमने करा गया, जैसे मम्मी को चलने में मतलब काफी एयरपोर्ट काफी बड़े बड़े होते हैं तो चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमने व्हील चेयर असिस्टेंस ले लिया। ये फ्री है बर्लिन ब्रैंडनबर्ग एयरपोर्ट पे। फिर आए थोड़ा आगे, सिक्योरिटी चेक इन करा, और अभी बस कॉफी के लिफ्ट उठाए जा रहे हैं, और बताते हैं आपको आगे पूरा क्या क्या होता है हमारे साथ इस ब्लॉग में। हम वेनिस लेक ही चारों तरफ, और यही हम यहाँ पे मतलब घूमने आए हैं कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अलग ही शहर है ये, और पीछे मेरी पूरी फैमिली घुस चुके हैं वो गाड़ी में, लेट्स सी। ओ फ्रेंड्स, इस टाइप की कुछ बसेस चलती हैं जो आपको एयरपोर्ट से सिटी सेंटर लेके जाती हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वेनिस का, उसका डेली पास, डेली, वीकली, सारे पासेस आप एयरपोर्ट से ही खरीद सकते हैं, जिनकी कॉस्ट पड़ती है 18 यूरो फॉर वन डे, 35 यूरो फॉर टू डे। हमने दो दिन का पास खरीदा है, और इसमें सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग फेरीज। तो फ्रेंड्स, जो वेनिस है वो दो पार्ट में है, एक तो जो मेन इटली से कनेक्टेड है जो लैंड वाला पार्ट है, और दूसरा है जो आइलैंड वाला पार्ट है। आइलैंड वाला पार्ट मेन है, वहीं पे सारी कैनल्स है, और वहीं पे सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, इन कैनल्स में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं फेरीज के द्वारा। तो जो आइलैंड वाला वेनिस है वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे पहुँचा जाए? रेगुलर आपको फ्रिक्वेंटली बसेस मिल जाएंगी पूरे के पूरे वेनिस जो इटली वाली साइड पे है, जो आइलैंड नहीं है वहाँ से, आपको आइलैंड के एक छोर तक ले जाने के लिए। और ये सारा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके जो डेली पासेस होते हैं उन सब में इंक्लूडेड होता है। और एक बहुत ही बड़ा और सुंदर ब्रिज आता है जिसे आप क्रॉस करके वेनिस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या नज़ारे हैं वेनिस के, अलग ही दुनिया, अलग ही शहर। और इस शहर में खुशबू और मैं और मम्मी पापा भी, पर वो थोड़ा दूर बैठे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इससे पहले कि हम वेनिस में आगे जाएं, ताकि आपको सरप्राइजिंग लगे जैसे हमें लगा। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वेनिस जो है उसमें टोटल 118 आइलैंड्स है, और ये 400 ब्रिजेस से कनेक्टेड है। तो आप जब वेनिस घूमते हो तो आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि ये एक्चुअली अलग अलग आइलैंड्स है, क्योंकि ये आपको लगेगा पूरा एक ही शहर है, क्योंकि ये कनेक्टेड है पूरे के पूरे सारे ब्रिजेस से, और ऐसी कैनाल्स हैं जिनमें आपको ऐसी बोट्स, टैक्सी, फेरी सब कुछ चलती हुई मिलेंगी।
और अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों इस ब्लॉग की। आगे आगे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है पूरे वेनिस में। अद्भुत नज़ारे, बोट्स, वाओ, और ये ब्यूटीफुल ब्रिज जो एंट्रेंस पे ही वेनिस आइलैंड के आपको दिखेगा। इसके भी मतलब नज़ारे लेना और यहाँ पे विजिट करना ना भूलें। तो गाइज अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है सैन मार्को, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, म्यूजियम, चर्च सबसे घिरा हुआ। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स सैन मार्को क्या है? सैन मार्को वेनिस का बहुत ही खूबसूरत प्रिटी ओल्ड टाउन है, जहाँ पे आपको ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, बेजेलिका, चर्च, कैथेड्रल और जो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक टावर्स हैं, वो सारे के सारे आपको सैन मार्को में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुपरमार्केट भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक इन ऐतिहासिक बिल्डिंगों के नज़ारे और इनके साथ फ़ोटो खिंचा कर आपका वेनिस का ट्रिप आप सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों वेनिस में जो सैन मार्को का जो फ्लैट्स है वहाँ पर आप इजीली 3 से 4 घंटे आपके बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स सैन मार्को घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है लीडो आइलैंड। वेनिस के आसपास काफ़ी सारे आइलैंड हैं, जैसे हमने बताया उनमें से एक है लीडो आइलैंड, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस है और ये भी एक मस्ट विजिट आइलैंड है अगर आप वेनिस ट्रिप कर रहे हैं तो। ये काफ़ी लंबा आइलैंड है और इसके किनारे बहुत ही खूबसूरत बीच बसा हुआ है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं वेनिस के एक और आइलैंड पे जिसका नाम है लीडो, बुरानो की तरह ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है। हमने ली फेरी नंबर 2 जिसने हमें यहाँ लीडो आइलैंड पहुंचा दिया है। तो देखते हैं इस लीडो आइलैंड में क्या क्या है देखने लायक। गाइस लीडो आइलैंड पे भी कुछ इस टाइप की बस चलती हैं, ये भी कोई छोटा आइलैंड नहीं है और ये आपके जो आपने टिकट लिया था एयरपोर्ट से, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया, तो उस टिकट में ये इंक्लूडेड है। बस सर्विस पूरी की पूरी, फेरी और ऐसा कुछ है ये फेरी का, जहाँ से हम फेरी लेते हैं वेनिस में मम्मी। और इधर है ब्यूटीफुल लीडो टाउन का ओल्ड टाउन, देखिए आप। फ्रेंड्स हम हैं लीडो में और लीडो में जो बीच है, ये लीडो का बीच काफ़ी फेमस है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो फेमस बीच है, यहाँ पे आपको ऐसे हट्स मिल जाती हैं और हट्स के आगे खुला समुद्र जिसमें आप स्विमिंग कीजिए, बाथ लीजिए, पूरा का पूरा ये वाव अद्भुत बीच। और ये पूरा का पूरा लीडो जो आइलैंड है उसके नज़ारे काफ़ी खूबसूरत, लीडो आइलैंड और हम दोनों लीडो में घूमते हुए। तो फ्रेंड्स लीडो के बाद अब हम वापस सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं, जो कि है सैन मार्को, और वहां पे अभी ग्रैब करा जा रहा है आज का लंच का वेट किया जा रहा है और जब तक कॉफ़ी की चुस्की उठाई जा रही है साथ में।
दोस्तों एक बात और, वेजिटेरियन फूड की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, आपको इजीली वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मुरानो, और मुरानो का पूरा रास्ता इतना सीधी के मैं क्या बताऊँ आपको। बोट ले ली है फेरी, जो यहाँ की लोकल फेरी कंपनी है ACT, उसी की फेरी है, और निकल पड़े हम एक और आइलैंड वेनिस में डिस्कवर करने, जिसका नाम है मुरानो। तो फ्रेंड्स जो मुरानो आइलैंड है उसकी दूरी वेनिस जो मेन आइलैंड है उससे तकरीबन 1.5 या 2 घंटे की है। आपको ऐसी फेरीज लेके मुरानो आइलैंड जाना पड़ता है, और सीधी फेरीज आपको वेनिस आइलैंड से मिल जाती हैं। और ये फेरीज कुछ इस टाइप की दिखती हैं, ये पब्लिक फेरीज हैं जो आपको ACT के जो टिकट होता है डे पास उसमें इंक्लूडेड होती है। यहाँ पर विंडोज़ होती हैं जिनसे आप बाहर की कैनाल्स के मज़े ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही सीनिक रास्ता है पूरा मुरानो का। और ये जो है ये बिल्डिंग और ये क्लोज्ड तो आप देख रहे हैं पार्क टाइप, ये एक्चुअल में पार्क नहीं, सेंट माइकल सिमेट्री है, जहाँ पे मतलब जो ग्रेवयार्ड होता है वो है ये। फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम मुरानो। मुरानो किस लिए फेमस है? ये अपनी ग्लास की फैक्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत समय पहले एक ग्लास की फैक्ट्री हुआ करती थी, जो अब भी बंद हो गई है, पर उस फैक्ट्री में 10th century से ग्लासेस बन रहे थे। और ये है खुशबू। तो मुरानो जो है ये स्पेशलिटीज की है, ग्लास मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का ग्लास बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी आप इटली का ग्लास देखो तो ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो मुरानो का आता है। यहाँ पे ग्लास से काफ़ी आर्टिस्टिक चीज़ें बनाई जाती है, और ये काफ़ी जनरेशन से चल रहा है। कम से कम 10th century से यहाँ ग्लास बनाया जा रहा है। तो अगर आप आते हो तो मुरानो में तो यही है, और ये टोटल 7 islands से बना है मुरानो पूरा। तो ये तो हो गया इसके बारे में डिटेल, और अब हम एक्सप्लोर करते हैं मुरानो को। तो अभी इस तरह का यहाँ पे रेलवे क्या बोट फेरी स्टेशन होते हैं, और वो सामने फेरी आ रही है, दिख रही होगी आपको, उसने हमें यहाँ ड्रॉप करा। तो गाइस ऐसे कुछ शोरूम्स हैं यहाँ पे ग्लास के मुरानो में, वही हम यहाँ देखने आए हैं, इस टाइप के सैन मार्को ग्लास फैक्ट्री। इस टाइप के कुछ ये आपको यहाँ पे ऑफ में मिल रहा है सारा, 50% ऑफ। यही है मुरानो अपने ग्लास के लिए फेमस, और वही हम डिस्कवर कर रहे हैं। If you can share some details about this. You have 50% off because it's the anniversary of the company. It's 124 years old. Wow. Was born a couple of days before. Oh, that's for the veil, but was born for towels on table. तो गाइज यहाँ पे दुनिया की वर्ल्ड फेमस जो ग्लास से जो कारीगरी होती है, आर्ट जनरेट होता है, वो सब इस मुरानो में ही होता है। ये देखिए, मतलब मुरानो में उतरते ही आपको पूरी शॉप्स ऐसे ही ग्लास के आइटम्स की दिखेंगी। और जैसा कि पिछली शॉप हमने विजिट करी, आइटम्स काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन देखना वर्थ इट है। जो यहाँ होता है ग्लास ब्लोइंग का काम, वो देखना वर्थ इट है। ये देखिए दोस्तों, केकड़े वेकड़े सब बने हुए, ये सब देखिए गाइस, अंडर वाटर वर्ल्ड ग्लास से जनरेट किया हुआ, लग ही नहीं रहा है ये ग्लास होगा। गाइस जो वेनिस में इस टाइप के आपको फेरी स्टेशन मिलेंगे, यहाँ पे आप अपना कार्ड वैलिडेट करिए और अंदर घुस जाइए फेरी स्टेशन पे, और अपने बोट का इंतजार करिए। आगे गई है।
इस टाइप की फेरीज चलती हैं यहाँ पे पूरे वेनिस में और इसके आजू बाजू सारे आइलैंड को कवर करती हैं। बाप रे बाप, हिल रहा है तो पूरा, काफी हिल रहा है तो। तो जो ये स्टेशन है ना दोस्तों, ये भी समुद्र के ऊपर ही बना हुआ है। ये देखिए समुद्र, ये स्टेशन पूरी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया हुआ है, इसीलिए पूरा का पूरा हिलता है। यही है वेनिस के मजे, बोटों में घूमना, एंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, मुरानो के बाद हमने पकड़ ली है फेरी जो हमें लेके जाएगी बुरानो, और बुरानो भी काफ़ी ब्यूटीफुल फिशरमैन्स आइलैंड कहलाता है। फेरी खचाखच भरी हुई है और अब हम ये पहुंचने वाले हैं बुरानो में। वो देखो गाइस, पुरानो में जो ये कलरफुल मकान आप देख रहे हो ना, यही यहाँ की प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि ये सारे पहले फिशरमैन्स के मकान हुआ करते थे और फिशरमैन्स इजीली अपने घरों को आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए इनको इतना कलरफुल बनाया जाता था और कॉन्ट्रास्ट कलर्स में। तो ये है पुरानो का देखने की जगह, यहाँ के कलरफुल रंग बिरंगे हाउसेस, और इन्हीं हाउसेस के नीचे पे है ये पूरा का पूरा शॉपिंग मार्केट। तो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए बुरानो के कलरफुल हाउसेस और बुरानो की गलियों को। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं बुरानो आइलैंड पे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ज़रूर विजिट कीजिए अगर इटली आ रहे हैं, वेनिस घूमने आ रहे हैं, तो ये भी एक मस्ट डू एक्टिविटी का पार्ट है। यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ का लीनिंग बेल टावर। जैसे पीसा का जो टावर है वो वैसे तो फेमस है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स, पर ये भी उसी तरह का है कुछ आर्किटेक्चरल मिस्टेक्स की वजह से। ये टेढ़ा टावर है तो हम लोग अभी उसी टावर के सामने खड़े हैं और आयुष उसको आप बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक तो लीनिंग टावर पीसा का फेमस है और या फिर बुरानो का, तो बुरानो का लीनिंग टावर आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए, ये है बुरानो का लीनिंग बेल टावर जो भी आर्किटेक्चुरल मिस्टेक के कारण थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, और ये बुरानो चर्च के पास में है तो बुरानो चर्च टावर भी बोलते हैं इसको। ये भी बुरानो आ रहे हैं तो मस्ट टू एक्टिविटी है, मस्ट विजिट एक्टिविटी है, और ये भी आपको उन वंडर्स की याद दिलाएगा जो बहुत रेयरली वर्ल्ड में होते हैं। और पूरी कलरफुल बिल्डिंग्स बुरानो में। तो फ्रेंड्स, जितने भी जो आइलैंड है, मुरानो, बुरानो, लीडो और इवन वेनिस हो गया, वहाँ पे आपको इस टाइप के कुछ वाटर फाउंटेंस और नल मिल जाते हैं जिनसे आप आपकी वाटर बॉटल को रिफिल कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम अक्सर अपनी बॉटल कैरी करते हैं और ऐसे ही फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, निकल पड़े हैं अब हम ब्यूटीफुल बुरानो आइलैंड से, छोड़ चुके हैं उसकी कलरफुल बिल्डिंग्स को पीछे और ले लिए अब हमने हमारी अगली फेरी जो हमें लेके जाएगी वेनिस आइलैंड पे। हमारी मम्मी जी काफ़ी खुश बुरानो आइलैंड देखने के बाद, और बस अब समुद्र का नज़ारा लेते लेते पहुंच रहे हैं अब हम वेनिस आइलैंड की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप वेनिस में हो और आप कैनाल से जा रहे हैं आपकी बोट्स के थ्रू, तो आप इस ब्रिज को ओवरलुक नहीं कर सकते। ये ब्रिज हमेशा ओवरक्राउडेड रहता है। इसका नाम है रियाल्टो ब्रिज और ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये एक फुट ओवर ब्रिज है। तो गाइस, जो एक्चुअल वेनिस है उसमें ऐसी छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां हैं, वहीं हम घूम रहे हैं।
गाइस यही है वेनिस जो अभी हम घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, खुशबू के साथ, और यही छोटी छोटी गलियों से निकल के ऐसे कैनाल्स आपको मिल जाते हैं हर जगह, हर जगह आपको ऐसा ही पानी पानी घर में घुस रहा है। तो आसपास रेस्टोरेंट ऐसे ही कैनाल के, यही है वेनिस के नज़ारे। तो फ्रेंड्स वेनिस आइलैंड में जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है और आई थिंक आखिरी डेस्टिनेशन है वो है बुक स्टोर एक्वा आल्टा। अब एक ये बुक स्टोर है, ये इतना फेमस क्यों है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये काफ़ी मतलब पुराना बुक स्टोर है और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ की बुक्स मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बैकयार्ड में आपको एक स्टेयरकेस मिलता है, वो बुक से बना हुआ है, तो जिस पे आप चढ़ के मतलब घूम सकते हैं। पूरी पब्लिक यहाँ पे आती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको मतलब गंडोला में पिक्चर लेना है और आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने आपकी गंडोला राइड में, क्योंकि गंडोला राइड 80 यूरो होती है पर आवर, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए आप इस बुक स्टोर में आ सकते हैं। और इसके बैकयार्ड में एक गंडोला रखा रहता है, काफ़ी लंबी क्यू होती है, क्यू में वेट करिए, आप गंडोला पे जाइए और अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइए। तो हम भी अभी बस इस बुक स्टोर में हमारा जो क्लिक है गंडोला के साथ वो करवाने के लिए इस बुक स्टोर पहुँचे हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो आ गया है नंबर, अब हमारा चढ़ते हैं गंडोलों में, पिक्चर क्लिक कराते हैं और निकलते हैं इस बुक स्टोर से बाहर। फ्रेंड्स बुक स्टोर में एंट्री फ्री है और गंडोला के साथ आप एक सीनिक पिक्चर और वंडरफुल पिक्चर लेना भी फ्री है, लेकिन मतलब बुक स्टोर वाले ने इतना अच्छा मौका दिया हमें गंडोले के साथ पिक क्लिक करने का, तो एज ए सोवीनियर आप वहां से पोस्ट कार्ड या कुछ छोटी मोटी चीज़ खरीद सकते हैं। अब है दिन की शुरुआत, पर हम लोगों का वेनिस का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और हम जा रहे हैं अब दूसरी सिटी में। इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये वो जगह है जहाँ से रेनेसेंस पीरियड की यूरोप में शुरुआत हुई थी। तो आप ये सर्च कीजिए, तब तक हम आते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ इस नई सिटी के लिए। तो ज़रूर ढूंढ के रखिए ये कौन सी सिटी है। बाय।